असलमान दिस इज़ शाहफाद अहमद एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज की जो वीडियो है वो है गूगल फॉर्म्स के बारे में तो गूगल फॉर्म्स क्या होते हैं पहले हम ये देखेंगे और हम किस तरीके से गूगल फॉर्म्स को बना सकते हैं और उनका डेटा हम किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, सबसे पहली चीज़ तो ये कि गूगल फॉर्म होते क्या हैं आपने अगर आ, इस तरह से फेसबुक पे या इस तरह किसी भी वेबसाइट वगैरह पे कभी इस तरह के फॉर्म्स के लिंक देखे होंगे जिसमें आपको किसी भी चीज़ की रजिस्ट्रेशन करवानी है ऑर्डर प्लेस करना है डेटा जमा करना है सर्वे फॉर्म होते हैं तरह के फॉर्म्स आपको नज़र आते हैं अब इन फॉर्म्स का जनरल ओवरले कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि आपको वाइट कलर में इस तरह टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड कलर कुछ भी हो सकता है और आप इस तरह से इसमें आंसर फिल कर सकते हैं और दैन आप सबमिट का बटन प्रेस कर सकते हैं अब ये फॉर्म बनाना बहुत ही सिंपल काम है है ना इनफैक्ट समझ लें ये दस पाँच दस मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको कंप्लीट आ जाएंगे ये फॉर्म इनके तमाम फंक्शन भी आपको समझ आ जाएंगे अगर इस तरह का फॉर्म आप खुद बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको चाहिए होगा आपका जी अकाउंट या गूगल अकाउंट उस अकाउंट को लॉगिन जब आप होंगे वो ऑब्वियसली आपके पास होगा कंप्यूटर में आपके गूगल क्रोम के अंदर कोई ना कोई गूगल अकाउंट बना हुआ होगा आपने गूगल पे सिर्फ लिखना है एफ ओ आर एम एस फॉर्म्स जब आप सिर्फ फॉर्म लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आ, इस तरीके से आ, पहला लिंक आ जाएगा गूगल फॉर्म्स का जरा असर क्लिक करेंगे तो ये आपसे क्या है गो टू गूगल फॉर्म्स और लर्न मोर तो हमने कह दिया भाई सीख तो बहुत लिया अब काम करना है तो गूगल फॉर्म्स हमारे पास ये लिखा हो गो टू गूगल फॉर्म्स ऐसे ही हम गूगल शीट्स स्लाइड्स और डॉक्स इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं मैं इनके होपफुली अब इन इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं इनके ट्यूटोरियल्स भी बनाऊँगा तो गूगल फॉर्म्स क्या होते हैं गो टू गूगल फॉर्म्स हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये विंडो आ, आ जाएगी जिसमें आपके तमाम वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि आपने तक बनाए हैं आपके पास अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा होगा उस आ, उस चीज़ को दिखाने के लिए कि आपके पास किस तरह नहीं आ रहा होगा मैं अपना अकाउंट चेंज कर लेता हूँ मैंने यहाँ एक अकाउंट लॉग किया हुआ है मैं दूसरा अकाउंट खोल लेता हूँ यहाँ से अभी मेरे पास दूसरा अकाउंट आ गया जिसमें एक फॉर्म है वो भी सलमान के नाम से आ, रेंडम फॉर्म है जैसा तो यहाँ आपके पास कोई फॉर्म नहीं आ रहा होगा अब आ, कोई नया फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आपके पास कुछ टैंप्लेट्स हैं अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं कि पार्टी का फॉर्म बनाना है इवेंट रजिस्ट्रेशन बनानी है फीडबैक एवे, बनाना है ऑर्डर का फॉर्म बनाना है टिकट का असमेंट का वर्कशीट का कोर्स एवेल्यूशन का कोइज बनाना है बहुत सारी चीज़ें हैं हमने कुछ भी नहीं लेना हम सिर्फ ब्लैंक लेंगे ठीक है ना हम ब्लैंक फॉर्म के ऊपर बनाएंगे सबसे पहले तो जब मैं ब्लैंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई विंडो अपेयर हो जाएगी इस तरीके से और ये विंडो आपको ऑलरेडी गाइड भी कर रही है कि किस तरीके से आपने फॉर्म बना सकते हैं और यह आपका पूरा एक फॉर्म बन गया है सबसे पहली चीज़ फॉर्म का नाम हम इसका नाम रख लेते हैं भाई हमारा टेस्टिंग गूगल फॉर्म्स फॉम्स जिसका नाम हो गया जब मैं इसका एंटर प्रेस करूँगा तो ये नाम यहाँ पे सेट हो गया कि यहाँ भी इसका टाइटल ऑटोमेटिकली आ गया देन आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं दिस फॉर्म इज़ फॉर अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं आप इसको कॉन्टेक्ट नंबर लगाएंगे जब आप ऑर्डर वगैरह कर रहे हैं आप इसके अंदर अपनी डिटेल लगा देंगे कि फर्दर प्रोसेस क्या होगा कोई पेमेंट मेथड हैं आपके आपकी वेबसाइट का लिंक है आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे जैसे कि यह पहला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन जिस तरह से आपने जो चीज़ डेटा लेना है वो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रख सकते हैं आप उसके अंदर चेक बॉक्सेस भी रख सकते हैं शॉर्ट आंसर ये बहुत सारे क्वेश्चन की टाइप्स हैं जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम लेते हैं शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर लिखने की बात कर लेते हैं यूअर नेम तो यहाँ बंदा अपना नाम लिखेगा उसके बाद हमने एक क्वेश्चन ऐड और करना है तो प्लस का बटन दबाएंगे प्लस का बटन दबाएंगे क्वेश्चन और ऐड हो गया यहाँ लिख देते हैं ई एड्रेस एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली इसे शॉर्ट आंसर कर दिया यहाँ पर शॉर्ट आंसर आएगा चलो अब एक एक सवाल और रख देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्ट सही है सब्जेक्ट रखा हमने इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख देंगे और यहाँ रख देते हैं हम फिजिक्स ओके है यहाँ हम रख देते हैं मैथ्स एड हम कर देते हैं इंग्लिश ओके okay, तो ये आ गया आपके पास हम ऐड अदर भी कर सकते हैं यानी बंदा अदर लिख सकता है या फिर हम उसको ऐड अदर हटा दें दे, भाई इन्हीं तीनों में से लेना आपने एक और तरह का क्वेश्चन ऐड करते हैं हम ऐड करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम ड्रॉप uh, डाउन ड्रॉप डाउन के अंदर क्या होता है सेम होता है फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश मैंने तीन सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए तो फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश यहाँ ऐड हो गया ऑप्शन फोर को हटा देते हैं अब ये ड्रॉप डाउन है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इनमें फ़र्क हम देखेंगे जब हम सबमिट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा अच्छा आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पिक्चर लेते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि आप अपलोड कर देते हैं हम अपलोड पर आते हैं हमारे पास आ, मेरे पास कुछ रिसोर्स हैं जैसे कि मैं कोई पिक्चर ले देता हूँ यहाँ से यह मेरे तो कोई पिक्चर लगा देते हैं ये लगा देते हैं तो ये मैंने पिक्चर अपलोड कर दी अपने कंप्यूटर से आप कोई पिक्चर्स पे लगा सकते हैं तो ऑबियसली जो आपका फॉर्म होगा उसके नीट के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ यह एक पिक्चर आ जाएगी इस तरीके से अब ये पिक्चर आप कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी सेक्शन में लगा सकते हैं तो मैं इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से पिक्चर पर आएंगे यहाँ से ऑप्शन आ रहा है ये रिमूव का या अलाइन का ऑप्शन आया था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया नाव अब और क्या चीज़ें होती हैं ये हो गया हमारे पास फिर हमारे पास आ रहा है इंपोर्ट क्वेश्चन आप किसी और फॉर्म से बने बनाए क्वेश्चन लेकर आते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर मैं ये लगा दूंगा तो जिस तरह से यहाँ टाइटल डिस्क्रिप्शन आ रहा था ऐसे यहाँ पे भी एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा हटाना आप यहाँ से हटा सकते हैं इसी तरीके से इमेज आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं आप वीडियो ऐड कर सकते हैं वीडियो ही नॉर्मल यूट्यूब की वीडियो को आप यहाँ पर वो कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं एड सेक्शन आपका पहला सेक्शन यहाँ पे एंड हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ रहा होगा जब नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये किस पेज पे जाना है और नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा तो ये सेक्शन टू के लाएगा कभी कभार आपने देखा होगा दो तीन पेजेस के फॉर्म भी होते हैं वो इस तरीके से होता है अभी हम वहाँ नहीं जा रहे ठीक है ना अभी हम इस सेक्शन को ही रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से हम इसको कर दूँगा डिलीट सेक्शन तो सेक्शन डिलीट कर दिया ये हमारा एक बेसिक फॉर्म बन गया अब हमने कलर तस्वीरें वगैरह वो चीज़ें लगानी है वो कहाँ से आएंगी ये बटन है कस्टमाइज द थीम जब थीम को कस्टमाइज करने पर आएंगे तो पहला ऑप्शन है आप तो उसके ऊपर कौन सी तस्वीर लगाएंगे कुछ डिफॉल्ट तस्वीरें होती हैं जो कि फ़िट होती हैं बहुत अच्छी आती हैं जैसे कि आपने ये लगा दी इसको इंसर्ट कर देते हैं तो ये इसके टॉप पर पिक्चर आ जाएगी और इसी पिक्चर के हिसाब से पूरा बैकग्राउंड का कलर भी सेट हो जाएगा कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ओके okay, सो so, आप यहाँ से प्लस का बटन दबा सकते हैं और कोई और कलर ले सकते हैं ऐसे मैंने ले लिया कोई ब्लू कलर ठीक है इसको ऐड कर दिया मैंने तो ये ब्लू हो गया कलर ऐसे ही हमारे पास फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं वो वह सेलेक्टेड होते हैं जैसे आप फॉर्मल भी रख सकते हैं आप प्लेफुल यानी कि अगर बच्चों की कोई वेबसाइट पर को बना रहे हैं डेकोरेटिव थोड़ा रॉयल स्टाइल देना चाहते हैं इसको डार्क पर्पल कर दें या आप बेसिक भी कर सकते हैं ओके तो हम असल में कलर वगैरह नॉर्मल कर लेते हैं ये हमारा सब चीज़ें हो गई ये हमारा एक फॉर्म का जनरल जनरल जो उसका जनरल डिज़ाइन रेडी हो गया है अब मैं अगर इस बटन पर क्लिक करता हूँ दूसरे नंबर पर ये हमारे इसको बंद कर देते हैं मैंने क्लिक किया इस पर आई के बटन पे यह आपको दिखा रहा है कि आपका फॉर्म कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा इसमें हमारे पास ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन थी वो इतनी ही थी ठीक है ना इसको मैं कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो आप तो देखेंगे अब इसको हम रिस्ट्रेच करते हैं और खोलते हैं प्रीव्यू को तो हमारा फॉर्म इस तरीके से खुलेगा ऐसे ही हमने इसका नाम वगैरह लिख सकते हैं ईमेल लिख सकते हैं ठीक है ना इसे फिर सेलेक्ट करेंगे अब देखो आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो ऐसे आएगा जबकि जो चूज़ द बेस्ट आंसर था वो ऐसे आएगा हमने इसका कोई सवाल ही नहीं लिखा तो हमने यहाँ पर होके okay, इसका सवाल नहीं लिखा यूअर सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे हम ठीक है तो हमारे पास मजीद चेंजेस करी हमने अब आपसे खोलते हैं इसका सवाल भी आ गया यूअर सब्जेक्ट एंड देन सबमिट का बटन आ रहा होगा अब ये हम कैसे डिसाइड करें कि अच्छा एक चीज़ और होती है मैंने देखा कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं उनका आंसर करोगे ही तो सबमिट होगा वरना सबमिट नहीं होगा तो वो यहाँ से होता है रिक्वायर्ड आपने क्लिक कर दिया अब आपको ये लिखना ही लिखना है ईमेल लिख एड्रेस ओके okay, तो ये काम कर सकते हो आप इसके अलावा और चीज़ आपके पास क्या होती है कि जब आप सबमिट का बटन प्रेस करते हो अगेन खोलते हैं, अगे हैं फॉर्म कुछ लिखते हैं अब देखो इसके ऊपर ये रेड डॉट आ रहा है ना इसका मतलब इसको भरना ज़रूरी है जो कह रहा है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड तो मैंने इसको यहाँ कुछ ना कुछ भर दिया यहाँ मैंने लिखा यहाँ मैंने कुछ लिखा जब सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन आती है यू आर रिस्पॉस हैज बिन रिकॉर्डेड सबमिट अनदर रिस्पॉस टेस्टिंग गूगल फॉर्म ये चीज़ें कहाँ चेंज चीज़ होंगी ये सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाएंगे पहली चीज़ है कलेक्ट ई एड्रेस जो भी फॉर्म सबमिट करेगा उसका कलेक्ट ई एड्रेस करना है या नहीं करना लिमिट टू वन रिस्पॉन्स के बंदा एक ई एड्रेस से एक ही दफ़ा भर सकता है कोई पेपर वगैरह का सीन है तो आप उसमें ये रख सकते हैं एडिट आफ्टर सबमिट तो अभी जैसे देख लो ना कि सबमिट एन अर इसकी जगह आ रहा होगा एडिट करना है तो अपने इस रिस्पॉन्स को करते। आप एडिट कर सकते हो एक दफ़ा भरा बार बार उसको एडिट कर सकते हो तो ये ऑप्शन देना है या नहीं देना सी समरी चार्ट उसको आप नॉर्मली इनेबल नहीं करते कि जो बंदा फॉर्म सबमिट करे उसके बाद चार्ट आ जाए कितने लोगों ने अब तक क्या क्या सबमिट किया है फिर आपके पास आती है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में आप दो बताओगे कि प्रोग्रेस बार शो हो नीचे कोई कितनी आपने सबमिट कर लिया है शफल क्वेश्चन का ऑर्डर शफल होता रहे जब क्विज वगैरह बनाते हैं तो उसमें आता है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पांस इस वजह से ये आ रहा है कि सबमिट अनदर रिस्पांस अगर ये हटा देंगे तो फिर ये नहीं आएगा इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है कि ये योर रिस्पांस रिकॉर्डेड ये लिखा हुआ है इसकी जगह आप कुछ भी सकते हो कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इन एट क्रिएटिव ओ और थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन फॉर फर्दर इन इनफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट हेयर हेयर तो ये चीज़ आप यहाँ पर एंटर करोगे कन्फर्मेशन मैसेज में अगर आपने क्विज़ बनाना है इट्स अनदर पूरा एक अलग सीन होता है इसमें आपका किस तरह से क्विज़ बनता है उसके क्वेश्चन होते हैं मार्किंग होती है ऑटोमेटिक चेक भी हो जाता है कि किसके कितने सवाल सही हैं वो तमाम तो चीज़ें क्रेज में होती हैं वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे हमने जर्नल देख लिया प्रेजेंटेशन देख लिया आप यहाँ पर लिख देते हैं थैंक यू फ्राम शाह फहद अहमद चलो भाई ओके और ये सब कुछ करने के बाद सेव कर दिया जब मैंने ये सेव कर दिया अब हम अपने फॉर्म को दोबारा इस आई के बटन पर क्लिक करते हैं अब देखते हैं तो ये फॉर्म तो वैसा ही होगा ये मैंने लिखा ये दिखा मैंने सबमिट किया मैंने ये सबमिट किया अब जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो थैंक यू फ्रॉम शाह मजदी यहाँ पर आ गया और ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि आप मदीद फॉर्म कैसे सबमिट करें सो डेट्स इट ये आपका फॉर्म पूरा बन चुका है अच्छा मैंने दो दफ़ा सबमिट किया तो मेरे पास दो रिस्पोंसेस आ गए आप ये देखो दो रिस्पोंसेस आ गए ग्राफ भी आ रहा है सही है तो ये बेसिक पार्ट हो गया एक एडवांस चीज़ एडवांस तो नहीं जो क्योंकि कंपलसरी रखे हम यूज़ ही करते हैं हम कि हमारे पास रिस्पॉसिस को हम एक्सल फॉर्म में लेते हैं अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन आ रही है और पाँच सौ बंदे ने फॉर्म भरा है तो मैं यहाँ बैठ के तो नहीं देखूंगा कि देखूँगा किसने कितना भरा है क्या नाम है उसको आप एक्सेल पर लेके जा सकते हैं डायरेक्ट क्रिएट स्प्रेड शीट इससे मैं क्लिक करता हूँ आपका टेस्टिंग फॉर्म आ, की स्प्रेड शीट बनानी है या कोई पुरानी शीट में इसको लेकर जाना है हम कहते हैं न्यू शीट बना लेते हैं और क्लिक कर देंगे क्रिएट पर तो आपकी एक पूरी गूगल शीट क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से और उसमें रिस्पॉसिस खुद ही आ जाएंगे वो दो रिस्पॉस है ना वो इसके अंदर आपके पास यहाँ आके सेव हो गए कि यहाँ आपके पास ये आया हुआ है यहाँ आपके पास ये रिस्पॉन्स आएगा हमने एस डी लिखा था तो वो आ गया इस तरीके से अब वो गूगल फॉर्म जो मैंने बनाया ना टेस्टिंग वो यहाँ आ रहा है इसको हम खोल लेते हैं आगे से सब कुछ हो गया हमने रिस्पॉसिस ले लिए वो भी गूगल शीट पर आ गए इस फॉर्म को लोगों को भेजेंगे कैसे ये वाला लिंक नहीं भेजना आपने ये लिंक नहीं खुलेगा आपने भेजना ये सेंड का बटन जब आप सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप बताएगा कैसे सेंड करना है गूगल आपको पहली चीज तो ये कि यार ईमेल पे भेजना, भेज दें नहीं ईमेल पे बहुत कम लोग भेजते हैं कि आप इन लोगों को ईमेल कर दें फॉर्म, ओके दैन आप क्या कर सकते हैं कि लिंक ले लें जो हमसे ज़्यादा करते हैं और इसको इम्बैट कर दें इम्बैट को हम एडवांस में लेके जाएंगे लेकिन एम्बैट का मतलब ये है कि इस फॉर्म को आप जो है ना किसी वेबसाइट के अंदर लगा दें उसके बीच में आ रहा होगा आप अपने ऑर्डर ले सकते हैं इसके थ्रू और बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स होता है मतलब कभी ये डाउन मैंने आज तक देखा कि गूगल फॉर्म चल नहीं रहे हो किसी टाइम या क्या कहते हैं स्लो हो या क्या कहते हैं लोग मतलब किसी जगह से एरर आ रहा हो कोई मसला आ रहा हो ऐसा नहीं होता तो गूगल फॉर्म बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपने डेटा कलेक्ट करना है लोगों से रजिस्ट्रेशन लेनी है कुछ भी करना है अच्छा खैर हमने ये लिंक खोला अच्छा मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो ये लिंक आ गया मेरे पास इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं आप ये शॉर्ट लिंक आ गया इस तरह का लिंक अब आप किसी को भेज सकते हैं मैं यहाँ से एक नया ब्राउज़र खोलता हूँ इनकॉग्निटो ब्राउजर ओके इसके अंदर मेरा आईडी लॉगिन नहीं होगी तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ लिंक को कंट्रोल वी यानी कि ये लिंक मैंने उसको दे दिया वो उसने खोला जब कोई बंदा लिंक खोलेगा तो उसके पास ये फॉर्म ऐसे आ जाएगा अब उस फॉर्म के अंदर उसने क्या करना है अपना नाम अता पता पता लिखना है भाई फहद uh, @hello@gmail.com देन हमने यहां पे मैथ्स ली यहां हमने यहाँ पे भी मैथ्स ली और सबमिट कर दिया जब मैंने ये सबमिट किया तो देखो आपके पास लाइव जो है ना ये अपडेट हो गया शीट के अंदर फहद हेलो मैस मैस तो ये शीट अपडेट अपडेट होती रहेगी आपके पास हज़ार आएँ दो हज़ार आएँ दस हज़ार लोग हैं गूगल आपके जो डेटा है वो कलेक्ट करता रहेगा कोई लिमिट नहीं है सो डेट सेट इस तरह से आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन की हो रही हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं ठीक है ना अगर वीडियो पसंद आई है और इस तरह की मजदीद वीडियो देखना चाहते हैं मैं गूगल फॉर्म शीट डॉक्स और स्लाइड सब पे बनाने वाला हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद कुछ अगर आप कोर्सेज को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक ये है आप उन कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़